तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा एडवांस एक्सेल में वी लुकअप का टॉपिक। इससे पहले लुकअप रेफरेंसेस के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, आज बात कर रहे हैं वी लुकअप के बारे में। तो सबसे पहले बताने की वी लुकअप मतलब कि लुकअप मेथड करता क्या है। लुकअप मेथड का काम होता है कि आपकी जो डेटा है उस डेटा में से, उस पर्टिकुलर डेटा में से आपको जो है एक पर्टिकुलर डेटा को लुकअप करके आपको देगा। ठीक है, मतलब कि आप भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, मान लीजिए आपको कॉलेज की, अपनी कॉलेज की लाइफ याद कर लीजिए, कॉलेज की वेबसाइट में जाते हैं तो कॉलेज की डेटा को, कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आप अपना क्या बोलते हैं रोल नंबर डालते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाता है। बैंकर को आप अपना अकाउंट नंबर देते हैं, बैंकर अपना अकाउंट नंबर डालता है और जैसे ही एंटर करता है आपका डिटेल्स उसको मिल जाता है। ये सब चीजें जो लुकअप करता है वो कहलाता है लुकअप मेथड। ठीक है, तो चलिए लुकअप मेथड के बारे में और हम डिटेल के साथ जानते हैं। तो सिंपल देखिए, मेरे पास डेटा है जो आपके सामने दिख रहा है, डेटा है 1700 कुछ का डेटा है और मुझे इस डेटा में से कुछ इस तरह की जो रोल नंबर है वो निकालना है। जैसे मुझे रोल नंबर 5 का, आईडी नंबर 5 का डिटेल निकालना है। अगर मैं वी लुकअप यूज ना करूं तो क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पे जाना होगा, कंट्रोल एफ, आईडी को सर्च करना पड़ेगा एंड इसको कॉपी करके फिर मुझे यहाँ पे पेस्ट करने पड़ेंगे। अब एक दो चीज है तो इसको हम कर सकते हैं, लेकिन जहां पे आपको 2-4-500 हुआ तो ये दिक्कत होगी करने में क्या, तो उस केस में हम वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप में सबसे पहला एंट्री देना होता है लुकअप वैल्यू। हम लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम डेटा में जाते हैं और पूरी डेटाबेस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। फिर कॉमा, अब इसमें देखिए याद रखिएगा कि हमें जो चाहिए वो क्वार्टर का चाहिए, मतलब कि यहाँ पे आप एक बार में एक ही कॉलम की डेटा को लुकअप कर सकते हो। तो क्वार्टर मतलब कि 2.0 करके एंटर मार दिया तो मेरे पास क्वार्टर यहाँ आ गया। उसी तरीके से मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा। देखिए हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो डेटा में भी आपको आईडी से ही सिलेक्शन स्टार्ट करना होगा क्योंकि वी लुकअप लेफ्ट टू राइट चलता है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए जोन 1, 2 एंड 3, 3 डालूंगा और यहाँ लास्ट में आप ट्रू फॉल्स डाल सकते हो या 0 डाल सकते हो, क्योंकि एक्सेल में 0 इक्वल टू फॉल्स और ये आपका दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, ऐसी डेट लगाना है तो वी लुकअप हमने इसको लिया और यहां पे सिलेक्ट कर लिया एंड कॉमा 3, 4 एंड कॉमा 0 या फिर फॉल्स। तो मुझे इसी तरह से करना पड़ेगा, नहीं आप ड्रैग भी कर सकते हो, ड्रैग करने से पहले आपको इसको फ्रीज करना पड़ेगा इस तरीके से, F4 से आप इसको फ्रीज करें और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग करें। अब यहां पे आपको जस्ट इसका कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये भी तो एक बहुत ज्यादा टीडियस जॉब है एक एक करना, क्योंकि मान लो 200, मान लो 100-150 फील्ड हुए तो उस केस में जो कॉलम नंबर होता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं इस तरीके से और इसको ड्रैग करते हैं। फिर मैं वी लुकअप लगाता हूं
वीलुकअप में हमने इसको सिलेक्ट किया और डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैनुअल कॉलम नंबर जो लिखते थे उसके जगह पे हमने ये रो नंबर दे दिया, कॉलम नंबर ऊपर से हेडिंग को दे दिया कॉमा जीरो कर दिया। अब मुझे आगे ड्रैग करने से पहले हमें अपने डेटा को फ्रीज करना होगा ताकि इंक्रीज ना हो, और फिर इसको हम आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक कॉलम रखना पड़ेगा। मैंने देखा कि मेरा डेटा स्टार्टिंग से है, सीक्वेंस है, जो ऑर्डर मेरा डेटा का है वही ऑर्डर हम यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं। तो उस केस में हम आपको याद होगा कि मैंने कॉलम का फॉर्मूला बताया था। इस कॉलम के फॉर्मूले में जिस कॉलम पे सिलेक्ट करके एंटर मारूंगा उसका यहाँ पे कॉलम नंबर दिखेगा, और मुझे यहाँ भी तो दो ही चाहिए। तो क्यों ना वी लुकअप में मैं डायरेक्ट कॉलम का इस्तेमाल करूँ। वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया और डेटा में गए और यहाँ पे हमने कॉलम और इसको सिलेक्ट कर लिया एंड कॉमा 04 एग्जैक्ट मैच। अब इसको आगे और करने ड्रैग करने से पहले हमें इसको फ्रीज करना पड़ेगा। हमने फ्रीज किया इसको F4 से, और इसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा इस तरह से हमारा डेटा आ गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें एक ही वी लुकअप से पूरा डेटा चाहिए। इसमें देख रहे हैं कि अलग अलग वी लुकअप लगाते हैं, फिर ड्रैग सेलेक्ट करते हैं। तो मुझसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मुझे एक ही बार में पूरा डेटा चाहिए, मैं बार बार वी लुकअप नहीं लगा सकता, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, फ्रीज रिलीज का झंझट नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया कि पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, जहां जितना एरिया में वी लुकअप लगाना है मुझे उतने को सिलेक्ट किया। फिर मैं यहाँ पे लगाया फॉर्मूला वी लुकअप, सिलेक्शन में ही वी लुकअप लगाया। और यहाँ देखिए कॉमा, अब मैं कर्ली ब्रैकेट में और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट में अपने कॉलम नंबर दे देता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। कर्ली ब्रैकेट में क्लोज किया, कॉमा जीरो किया और यहाँ पे कंट्रोल सेव्ड एंटर, पूरा हो गया। मतलब क्या होता है कि आपको अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस तरह से भी आप लिख सकते हो, या फिर पूरे एरिया को सिलेक्ट करो, कर्ली ब्रैकेट में आप 1, 2, 3, 4 लिख के कंट्रोल से एंटर मारोगे तो सीक्वेंस बन जाएगा। और इसी मेथड का यूज हमने वी लुकअप में किया है। तो अभी जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे सीक्वेंस में 1, 2 ही लिखूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और कंट्रोल सिफ्ट एंटर करते वही प्रिंट होगा। मतलब कि जब मैं वी लुकअप लगाऊंगा तो वी लुकअप पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा, इक्वल वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और डेटा में जाऊंगा, अपने डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और कॉमा, यहाँ पे जो हम कर्ली ब्रैकेट में नंबर देंगे कि 2, इस तरह से 2, 3, 4, 5, ये हमारे कॉलम के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और फिर लास्ट में हम जो डालते हैं जीरो या फॉल्स वो डालेंगे, तो कंट्रोल से एंटर करें, तो एक ही बार डालेंगे। इसमें सर जो भी कॉलम लेना होगा उसको भी हम सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ हेलो, सर, इसमें कुछ चेंज करना हो तो चेंज तो नहीं हो पाएगा ये? नहीं नहीं हो पाएगा।
समझ गया। अभी कभी कभी एक चीज और होता है कि मेरे पास कुछ ऐसे कॉलम के हेडिंग है जो कि बार बार मेरे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 85 दिया, तो आज 85 है, 85 हो गया। अभी जोन है, मैनेजर है, एमआरपी है, और कल के रेट में कुछ भी हो सकता है। एमआरपी की जगह पे क्वांटिटी हो सकता है, मैनेज सेल्स मैनेजर की जगह पे सिटी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल मैं वी लुकअप लगाता हूँ यहाँ पे, तो वी लुकअप में क्या होता है कि आपने मान लीजिए जोन के लिए लगा दिया, जोन का नंबर 3 दे दिया, कॉमा 0 कर दिया, तभी तो जोन सेंट्रल दिख रहा है। कल के डेट में जोन के जो चेंज हो गया क्वार्टर हो गया, तो फिर यहाँ पे 3 के जगह पे आपको मैनुअल 2 करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि कॉलम के हेडिंग के अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज कर दे। तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला है मैच का। एक मैच का फॉर्मूला होता है जो कि किसी भी सेल वैल्यू को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लुकअप करता है, जो कि हम बता चुके हैं आपको लास्ट 2 क्लासेज में। तो इस मैच फॉर्मूले को यहाँ हम रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब कि वी लुकअप में जहां मैनुअल कॉलम नंबर लिखते हैं उसके जगह पे हम वी लुकअप लगा देते हैं। फिर आप फ्रीज करें डेटा को, रेफरेंसेस को, और आप ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से। ये आपके कॉलम हेडिंग के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। कल के जगह पे अगर यहाँ पे अमाउंट हुआ तो अमाउंट बन जाएगा, और यहाँ पे सब कैटेगरी के जगह पे कैटेगरी हुआ तो कैटेगरी बन जाएगा। लेकिन स्पेलिंग सेम होना चाहिए, स्पेलिंग में कोई दिक्कत होगा तो फिर नहीं दिखाएगा। समझ गए सर? यस सर, हेलो। तो वी लुकअप में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मुझे ये पता करना है कि आप लोग वी लुकअप में क्या क्या मतलब पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को ये फाइल भेज रहा हूँ, मुझे वी लुकअप की कम से कम 5 या से 10 एग्जाम्पल बना के भेजें, फिर हम आपको आगे जो है वीलुकअप पे जो हमारे मैच इंडेक्स ऑफसेट और उसके जो कंडीशंस है वो कंडीशंस हम आपको बताएंगे, ठीक है। ठीक है सर, कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए सर। नहीं है? चलिए, तो कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मैच, इंडेक्स, ऑफसेट, एच लुकअप, इनके बारे में। लेकिन फिलहाल आप वी लुकअप पे प्रैक्टिस करें और वी लुकअप से रिलेटेड कुछ चीजें हमको दें। छोटी मोटी डाउट होगा तो कॉल कर लीजिएगा, बड़ी डाउट होगा तो कल की क्लास में पूछ लीजिएगा। जी सर, ओके।